गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, राइट। इसके पहले हमने जो एसपी के लेसन किए थे कंप्लीट 2, एंड नाउ इकोनॉमिक्स से हम थोड़ा शुरू करते हैं, बिकॉज ये भी एक टॉपिक है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो टॉपिक है कॉमर्स वालों के लिए भी है और आर्ट्स वालों के लिए भी है, ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखते हैं क्या क्या इसमें कंसेप्ट बताया गया है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है वैसे तो, बट स्टिल इसको हम पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, देखिए ऊपर सबसे पहला, मार्केट इज जनरली understood as a particular place or locally where goods are sold and purchased. But in economics, market referred to an arrangement through which buyer and seller came in contact with each other directly or indirectly. An exchange of goods and services takes place among them. अब हम बात करते हैं, चलो इस टॉपिक के टाइटल की, जो बनाम दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट मीन्स कोई ऐसी जगह जहाँ पे डीलिंग होती है, ख़रीदना बेचना एंड ऑल। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट का क्या मतलब बोला इन्होंने, कि जहाँ पे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है। दैट मीन्स एक बायर होता है एक तरफ सेलर होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। डेफिनेशन दिया है यहाँ पे अगस्टीन कॉर्नर्ट के नाम से, इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर एंड सेलर आर इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद सम वन अनदर विद द प्राइस ऑफ सेम गुड्स टेंड टू इक्वालिटी ईजिली एंड क्विकली। ऐसा कोई जगह का नाम नहीं होता है, कहीं पर भी कोई भी बायर एंड सेलर अपने गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग कर लेते हैं। एक बायर जो है वो पैसे दे देता है और जो सेलर है वो बेच रहा है, तो वही मार्केट बन जाता है अपने आप में। दस मार्केट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग बिटवीन पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर। ये जो मार्केट है इन दो लोगों पर डिपेंड करता है, बायर और सेलर पे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ए मार्केट विच एग्जिस्ट इफ आर, पहली बात तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, देखो दिया है। एक होना चाहिए बायर एंड सेलर, फिर दूसरा होना चाहिए प्रोडक्ट या तो सर्विस जो हम लोग, मतलब जो बायर और सेलर में आपस में एक्सचेंज होगा वो। तीसरी चीज़ होती है प्राइस, कोई भाव होगा। क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर एंड नॉलेज अबाउट मार्केट। ये पांच चीज़ें अगर एक साथ मिल जाती हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ये क्या है, एक प्रकार का मार्केट है। नेक्स्ट विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाई किया, पहले तो बोला है प्लेस। प्लेस में देखो दिया है 3, लोकल नेशनल इंटरनेशनल। यस, लोकल तो मतलब अपने आजू बाजू, नेशनल इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल इंडिया के बाहर। फिर क्या बोला है, देखो टाइम के हिसाब से, शॉर्ट पीरियड का एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग वेरी लॉन्ग। फिर कॉम्पिटिशन के हिसाब से आता है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, और इसी में से और तीन चीज़ें निकल के आती है, मोनोपोली ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये देखिए ऊपर पहले देख लेते हैं प्लेस को क्या कह रहे हैं। ये देखिए प्लेस में लोकल मार्केट, लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर सेल एंड कंस्टमर बाय अ प्रोडक्ट इन अ रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस। मतलब जहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट को मतलब ऐसा बनाते हैं वहीं पर, और वहीं के लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। जैसे कि वहीं पे वहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, जैसे कि हम आसपास की किराना शॉप पे जाके कुछ ले लेते हैं या मिल्क ले लेते हैं, तो हम लोग बाहर नहीं जाते उस चीज़ के लिए, अपने आसपास से ही देख लेते हैं। देन वी हैव दिस नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में क्या होता है, इट्स अ मार्केट डोमेस्टिक गिवन कंट्री, ईच मार्केट इज गवर्न बाय रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री। फाइन, इसको हमारी गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये चलता है। देन वी हैव इंटरनेशनल मार्केट। ये मार्केट तो बहुत सिंपल है, जो बॉर्डर क्रॉस करके विदेशों में है, वहाँ से कोई चीज़ हम खरीद के लेके आते हैं, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी या कोई भी गुड्स हुआ,
तो ये किस में आ जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में आता है। देन वी हैव अ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड, द टाइम पीरियड फॉर विच फ्यू डेज और वीक्स इन विच कमोडिटी सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, वेरी शॉर्ट पीरियड। मतलब जिसमें क्या बोला है, पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड, मतलब जितना आता उतना ही आएगा, बा हाँ लेकिन उसके जो प्राइस है उसमें कभी कम हो सकता है या कभी ज़्यादा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। शॉर्ट पीरियड में क्या बोलेंगे हम, इट्स अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर। इन दिस पीरियड फॉर्म्स कैन मेक ओनली एडजस्टमेंट इनपुट्स लाइक लेबर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो टाइप का पीरियड है जहाँ पे थोड़ी बहुत कोशिश की जा सकती है गुड्स एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करने की, और तो कोई चांस नहीं है। थर्ड वी हैव दिस लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, दैट इज अ चेंजेबल। सो देन वी हैव दिस इट कॉस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड जनरली अप टू फॉर 5 years। वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज सो लॉन्ग दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, इट इज़ मोर ऑफ देन 5 years। मतलब 5 साल के ऊपर का जो वक्त होता है उसको हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड में लेते हैं। फिर बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर एंड बायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट एंड इकोनॉमिक्स। लेट अस स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर। पहला आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ मार्केट रैदर देन एन एक्चुअल मार्केट। मतलब ये असल में होता नहीं है, एक इमेजिन कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन इन विच द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज वेरी लार्ज। चलो ये मैं मान लेता हूँ बहुत सी जगह पे होता है। देन ऑल द बायर एंड सेलर आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब क्या, एक जैसा प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं सब जगह पे। मोर एवर बोथ बायर एंड सेलर पोजेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या क्या फीचर्स है इसके, सबसे पहले दिया हुआ है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। तो दिया है ना यहाँ पे, एज मेंशन अर्लियर ईच सेलर फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट, हेंस नन ऑफ देम इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। इसमें से कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार मार्केट पे फर्क नहीं डाल सकता, ना सेलर कर सकता है ना बायर कर सकता है। द सेलर हैव प्राइस टेकर अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फाइन, मतलब इसमें ऐसा है कि सेलर भी कुछ नहीं कर सकता, जो प्राइस मिल जाए कस्टमर से वही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर क्योंकि अगर उसने चेंज किया अपने भाव को, अपने प्राइस को, अपने प्रोडक्ट को, तो कस्टमर तो ये कहेगा कि मैं बाजू वाली दुकान से ले लेता हूँ बिकॉज सेम चीज़ ही तो मिल रही है। देन द लार्ज नंबर ऑफ बायर इज ऑल्सो लार्ज, द शेयर ऑफ ईच बायर इज सो नेग्लिजिबल दैट नन ऑफ देम इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट। मतलब पोजिशन कुछ ऐसी होती है कि कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, मार्केट को बदल नहीं सकते। देन वी हैव अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट प्रोडक्ट इज सोल्ड इज होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, डिज़ाइन, कलर, टेस्ट। ऑल प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट टू ईच अदर। होमोजीनियस का मतलब पहले बात क्लियर है, सेम प्रोडक्ट, सेम साइज, सेम कलर, सेम टेस्ट, सेम चीज़, सबको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। फाइन, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मुमकिन है कि यहाँ पे ये चीज़ एकदम सेम कंटेंट में मिले। देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यस, ऐसे मार्केट में तो कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है।
there are no barrier to the entry and exit of firms. Any firm can enter to quit the industry as its own will. If there is a hope of profit, the firm will enter the market, and if there is a possibility of loss, the firm will leave the market. मतलब अगर किसी को लगेगा कि मुझे यहाँ पे फ़ायदा है तो वो आराम से मार्केट में आएगा, अगर उसे लगेगा कि भाई मुझे यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो वो चला जाएगा. वी कैन से दैट कि ये ऐसे टाइप की चीज़ें बेचते हैं जहाँ पे मेरे बाजू वाला भी सेम बेचेगा, कहीं से भी ले लो, सिंगल प्राइस. अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. यस, सिंगल प्राइस, इसके अंदर प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. रीज़न ये है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. देन वी हैव अ दिस फिफ्थ पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट. द बायर एंड सेलर पोजेस अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन. एवरी सेलर एंड बायर हैज़ अ नॉलेज अबाउट प्राइस, क्वालिटी, सोर्स ऑफ सप्लाई, प्रोडक्ट एक्सेट्रा. मतलब यहाँ पे कोई भी बायर अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल अगर बताता भी है तो सेलर के पास भी काफ़ी नॉलेज है. हर बायर को पता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलती है, कितने की आती है, और हर सेलर भी ये बात जानता है कि कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन है अबाउट दी प्रोडक्ट. तो वो लोग अपने प्राइस में कोई ज़्यादा चेंजेस दिखा ही नहीं सकते. सो इस मार्केट की नॉलेज दोनों को होती है, बायर एज वेल एज सेलर को. देन वी हैव दिस परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देर इज़ अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल नॉट ओनली ज्योग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली. अभी इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ना दो चीज़ें ऐसी होती है, लेबर और कैपिटल आर मोबाइल. मोबाइल मतलब क्या होता है, कहीं भी जा सकते हैं, फाइन ज्योग्राफिकली बट ऑक्यूपेशनली. मतलब पहले समझो कोई लेबर कोई दूसरा काम कर रहा था, अब अचानक से उसने कुछ चेंज कर दिया, वो समझो कोई चीज़ बेचने लग गया, तो ही कैन चेंज हिमसेल्फ. और जो रही बात कैपिटल की, तो कैपिटल भी बदलता ही है. देन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट. द अजम्पशन विल लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन द प्राइस. इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेम रहता है. मान लो कि एक कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारी मेडिकल की दुकान है, अब एक कंपनी की दवा सबने बुक करी है, तो अब वो जब ट्रांसपोर्ट वाला आएगा तो किसी भी मेडिकल वाले से ये नहीं कहेगा कि मैं उससे ज़्यादा चार्ज करूँगा. रीज़न ये है कि अगर ऐसा हुआ तो वो खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि फिर कस्टमर भी कहीं और से चला जाएगा लेने के लिए. तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट देने वाला होगा ना, वो सबसे सेम प्राइस चार्ज करेगा, चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो. रीज़न सिंपल है, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. यहाँ पे वो अपने मन मुताबिक प्राइस नहीं मांग सकता, यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा. लास्ट इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. यस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं होती है. दैट इज लजाइज फेयर पॉलिसी. इसका मतलब क्या होता है, जो चाहे करने दो, बीच में इंटरप्ट मत करो. इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इट मीन्स देयर इज अ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इट सिंपली शोज दैट के 8 पॉइंट जो बताएं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, जो ये इमेजिनरी है, रियलिस्टिक नहीं हो सकते, बट इमेजिन किया गया इकोनॉमिक्स के थ्रू. तो बहुत ही आसान सा है कि आंसर आपके लिए पूरा हुआ है ये. आई थिंक सो आपको ये क्लियर हुआ होगा. लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होने चाहिए, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एग्जिट, सिंगल प्राइस, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर एंड प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का आपके ये फीचर है, राइट. देन आफ्टर दैट वी हैव दिस वन, वी लव कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन. टिल देन आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि इसको बहुत आराम से लेके चलेंगे ताकि आपको समझे. ओके, टेक केयर.